भारत में तेजाब फेंकने की घटनाएं निरंतर हो रही हैं, जिसकी मुख्य शिकार महिलाएं हैं। द राइजिंग यूथ एसोसिएशन, शांति संदेश सेवा समिति, हिंदुस्तान स्क्वाड एंड गाइड एसोसिएशन, एयर विंग द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त आगरा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आगरा में खुले में बिक रहे तेजाब पर रोक लगाई जाए। परंतु अभियान के एक महीने बाद भी देखा गया कि तेजाब अवैध रूप से खुले में बिक रहा है। इसी कड़ी में आज बसई चौक स्थित शीरोज कैफे में बैठक रखी गई, जिसमें आगे की अभियान की रणनीति बनाई गई। साथ ही मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। अभियान में तेजाब पीड़ित वीरांगनाएं भी शामिल हैं। बैठक में राइजिंग यूथ एसोसिएशन के मयंक पाठक अध्यक्ष राहुल, राइजिंग यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मयंक पाठक, राहुल ठाकुर, साहिल राहुल व शांति संदेश सेवा समिति के अध्यक्ष बंटी प्रजापति, महासचिव विशाल प्रजापति, मनीष अग्रवाल, ऋतिक दीपांशु व हिंदुस्तान स्क्वाड एंड गाइड एसोसिएशन के कमिश्नर आलोक वैष्णव, अभय गुप्ता आदि मौजूद रहे। न्यूज पब्लिक तक के लिए अखिलेश चौधरी की रिपोर्ट। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मयंक पाठक है, राइजिंग यूथ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह का ये बैठक बुलाई गई है यहाँ पर, किस तरह का क्या होगा? राइजिंग यूथ एसोसिएशन, शांति संदेश सेवा समिति व हिंदुस्तान गाइड द्वारा एक महीने से हम अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य आगरा को व पूरे हिंदुस्तान को तेजाब मुक्त बनाने का है। हिंदुस्तान में निरंतर तेजाब फेंकने की घटनाएँ हो रही हैं, जिसमें ज़्यादातर पीड़ित महिलाएँ हैं। उसको लेकर के एक महीने से हम प्रयास कर रहे हैं कि आगरा को तेजाब मुक्त बनाएंगे, परंतु प्रयासों के बाद भी प्रशासन द्वारा जो ढील दी जा रही है, उनके आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। उसको लेकर के रणनीति बनाई है, जिसमें आने वाले समय में अगर एक महीने के अंदर प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पाता है पूर्ण रूप से, तो हम रोड को उतर कर जो अभी अभियान हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसकी मृत्यु की तरफ अग्रसर हो। आपकी जो सेवा समिति है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? जो संस्थाएं जो होती हैं, हमने जो जिस उद्देश्य खोली थी, वह सबकी सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो घटना हुई है वो किसी ऐसी मानसिकता के इंसान द्वारा हुई है जिसमें इनका कोई दोष नहीं है, और समाज इनको जिस नज़रिए से देखता है वो एक गलत नज़रिया है, जिस वजह से ये परेशानी बढ़ रही है। हमारा एक मकसद है कि आगरा की जनता इनके साथ जुड़े, इनको फाइनेंशियली और जिस तरीके से भी मेंटली आप सपोर्ट करना चाहते हैं करें, जिससे इनके समाज में एक अच्छा स्थान मिले और अपने परिवार को अच्छे चला सकें। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विशाल प्रजापति, महासचिव शांति संदेश। ये किस तरह का बैठक का आयोजन हुआ है? आज की बैठक हमने जो रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो खुले में तेजाब बिकता है, जिससे जो गलत इस्तेमाल उसका करते हैं, वो पूरी तरह से पहले आगरा में, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूरे भारत में हमारा जो मेन मकसद है पूरी तरह से प्रतिबंधित। जिस तरह से आप जो अभियान चलाते हैं, क्या आपको कुछ उसका उद्देश्य दिखता है कि आगे जाके कुछ आपको कुछ ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं निरंतर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कई और संस्थाएं जुड़ी हैं, अभी ये तीन संस्थाएं हैं। इसके अलावा आजकल लोगों की मानसिकता में ये फ़र्क है, और पूरी उम्मीद है मुझे कि ये जो हमारा अभियान है ये आगे और अग्रसर होगा और एक ना एक दिन तेजाब पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। ये जो इलीगल तरीके से तेजाब की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, क्या उस पर सरकार द्वारा कुछ रोक लगाई जानी चाहिए? इसमें कुछ कहना चाहिए आप? उसके लिए हम अभी शांतिपूर्वक तरह से अभियान अपना चला रहे हैं, और आगे चल के प्रशासन को भी हम लिखित में देंगे, अगर साधारण तरीके से अगर नहीं मानते हैं तो हम उसके लिए प्रदर्शन करना, सारी ये जो भी चीज़ें होती हैं वो हम करेंगे। ठीक जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक वैष्णव है, मैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन एयर विंग आगरा में यूपी का कमिश्नर हूँ। ये यहाँ पर किस तरह का ये बैठक का आयोजन हुआ है? ये बैठक का आयोजन सर कर रहे हैं कि जो एसिड वीरांगनाएं हैं, हम इनको वीर मानते हैं, और समाज में आगे आकर ये अपने सर्वाइव कर रहे हैं। इनका जो ये रेस्टोरेंट से जिसका नाम है शीरोज, तो शीरोज ने को हम आगे मोटिवेट कर रहे हैं कि शीरोज में लोग आएँ, और दूसरा एसिड ना बिके। प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि बिना प्रॉपर आइडेंटिटी के, बिना किसी प्रूफ के, कितना एसिड लिया, उसका कितना यूज़ किया, कहाँ पर यूज़ किया, ये सारी मांगे लेकर हम आगे यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और ये भी चाह रहे हैं कि स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन, द राइजिंग यूथ एसोसिएशन, और उसके बाद S4 शांति संदेश सेवा समिति मिलकर इसको मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि समाज में जागरूकता है और इनको हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें। आपकी संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? जो हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि युद्ध काल में जो अंदर आर्मी तो रहती बॉर्डर के अंदर,
हम लोग रहते हैं घर के अंदर कि घर की स्थितियों को संभाल के रखें, ट्रैफिक कंट्रोल करें, बम्बारिंग के टाइम पे कैसे सिविल के लोगों को रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। यदि भी जैसे कोरोना फैला, कोविड फैला, तो उसमें लोगों को जागरूक करना, इससे डरना नहीं है, सैनिटाइज करना, तो जो भी कैलेमिटीज़ आती हैं। अब रिसेंटली हम लोग को कुंभ की जिम्मेदारी मिल रही है, जोरदार में कुंभ हो रहा है, उसके लिए हमारे एसोसिएशन के जो सचिव हैं मनोज सिंधी सर, उनको जिम्मेदारी दी गई, तो उनकी तरफ से अब हम लोग कुंभ की तरफ भी कुछ करेंगे और देश की सेवा करेंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है।